पंजाब पुलिस ने काफ़ी जो बच्चे है खास तौर पर वो घर अरैसट किए ये नाल नाल जे मीडिया इक्विस्ट ने जड़े उन्होंने घर भी जी है पंजाब पुलिस ने जो है जाके छापेमारी कह लो या उन्होंने तो पुछ पड़ताल की है। मैं समझना कि ये मंदभागा वर्तारा है और उन्होंने पेज जोड़े ने उन्होंने ब्लॉक कर दिता गया है जैम कर दिते गए हैं। ये विचार के प्रगटावे का जोड़ा अधिकार है वह हनन हो पंजाब सरकार को इस बारे जरूर सोचना चाहिए। बच्चे साढ़े किसी ने कोई माड़ा मोटा फेसबुक के उत्ते कोई शेयर कर लिया जां किसी ने कोई कमेंट पाता तो उन्होंने फड़ के अंदर देना तो उन्होंने कैरियर में जोड़ा बर्बादी वाले पासे वाल ढकना जोड़ा है। मैं समझदा कि ये पंजाब सरकार वालों ठीक नहीं होया इन्हें रोकना चाहिए जी। जी भाई अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी लैके लगातार छापेमारी की जा रही है कई थावां भी लोकेशन भी देखी जा रही हैं दसा जा रहा भी इतने गए हैं पुलिस वालों फोटो भी जारी हो रही हैं वीडियो भी लगातार आ रही है सारे इस मामले में किए देख रहे हैं। सब तो वड्डा सवाल जिहड़ा पूरी दुनिया भर के सिखां दे मन दे विच पाया जा रहा है कि इन्नी पुलिस फोर्स होने के बावजूद जिहड़ा हैगा वो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। एक वड्डा कारगुजारी के उत्ते सवाल है तो दूसरा जिहड़ा हैगा जे सरकार ने गिरफ्तार किया तो स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है। तो एक मैं अमरपाल सिंह भी कहांगा जी वो बाहर है तो उन्होंने फिर खुद ही जिहड़ा हैगा अपने आप को पेश करना चाहिए कि पुछो की पुछते तुसी की करना चाहते दसो तो सहयोग करना चाहिए जांच के विच ते पुलिस में भी जिहड़ा वो थोड़ा इस गल का ध्यान रखना चाहिए कि साढ़े इन्होंने नौजवानों ने कोई बहुते वड्डे जुर्म नहीं किए जिड्डे वड्डे जुर्म जिहड़े आ वो बना के पेश किए जा रहे। मैं यही कहना चाहूँगा सिंह साहब एक 27 तरीक की मीटिंग सजी हैगी है किस तरह का एजेंडा रहने वाला है उस राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं किन्ने के लोगों को सदा जब इकट्ठ किया जा सकता किस तरह का उधर असी बेसिकली जड़े सिख संप्रदावान जथेबंदियों के जोड़े कुछ मुखी सिलैक्टर जे वो बुलाए हैं असी उन्होंने यो ही जोड़ा है जानना चाहते हैं सारे तो कि जोड़ा एक बड़े पद्धर के उत्ते जो सिख नौजवानों की फड़ोफड़ी हुई है जोड़ा वरतान सरजिया सिखा के खिलाफ यदा हल जोड़ा है वह की होना चाहिए सुझाव लवेंगे 27 तरीक न जोड़े भी उत्थे कोई कुछ विद्वान भी होंगे कुछ जथेबंदियों के मुखी भी होंगे जिन्हों को जिंदगी का लंबा एक एक्सपीरियंस भी है तो असं उन्होंने सुझा लवेंगे वो मुताबिक ही फिर जो फैसला होगा कर राजनीतिक लोग आम लोग शामिल नहीं 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 राजनीतिक लोगों नहीं असी शामिल किया है क्योंकि मसला का राजसीकरण हो जाता है बदोबदी हो जाता है असं सिर्फ धार्मिक जोड़े नुमाइंदे जथेबंदियों के वह भी सिलैक्टड उ बुलाए हैं क्योंकि विचार चर्चा जी होंगी है ना वो बुद्धिजीवियों के कुछ लोगों के इकट्ठ ही सही ढंग होंगी है इकट्ठा के फैसले नहीं होंगे हाँ इकट्ठ प्रभावी जरूर होंगे है लोड़ पई तो भविख के फिर इकट्ठ ही समझा जा सकता। पंजाब दियां वड्डियां अते ताज़ा खबरां दे लई अज दी आवाज़ दे फेसबुक पेज नूं लाइक करो पेज फॉलो कर अपने दोस्तां दे नाल सांझा करो देश विदेश नाल जुड़ियां हर तरह दियां खबरां लई तुसीं साडे यूट्यूब चैनल अज दी आवाज़ नूं सबसक्राइब करो हर एक तरह की लेटेस्ट ब्रेकिंग खबर लई सानूं तुसीं इंस्टाग्राम दे उत्ते भी फॉलो करो देश विदेश की हर एक तरह की खबर हुण तुहानूं मिलेगी सिर्फ अज दी आवाज़ दे उत्ते। तुसी आज दी आवाज़ दा ई पेपर एडिशन पढ़ने लिए साड़ी वैबसाइट दे उत्ते भी विजिट कर सकते हो कैनेडा होवे या फिर इंग्लैंड अमेरिका होवे या फिर आस्ट्रेलिया पंजाबी भाईचारे नाल जुड़ी हर एक खबर पहुंचाई जाएगी तुहाडे तक चुके जाणगे मसले होवेगी हक दी गल गरीबां अते पिछड़ियां दा इको एक भरोसेमंद न्यूज चैनल आज दी आवाज़ रोजाना आज दी आवाज़ पंजाब दी भरोसेमंद अखबार।